नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष डीएमसी एंड दिस वीडियो इज रिप्रेजेंटेड बाय किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर। सो मैं हूँ किर्गिस्तान के सिटी ओस में, ओस स्टेट यूनिवर्सिटी के पास, और आज मैं इस कॉलेज के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्यों आपको इस यूनिवर्सिटी को चुनना चाहिए। सो ओस स्टेट यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द किर्गिस्तान, ऑल्सो नोन एज ओसगू। सो इस कॉलेज में 30,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे आते हैं और स्टडी करते हैं। सो ओस स्टेट यूनिवर्सिटी आपको अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको एक डिसेंट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, और इसके साथ ही साथ ये WHO और MCI और अन्य संस्थाओं द्वारा प्रमाणित है या सर्टिफाइड है। ओस स्टेट यूनिवर्सिटी के मोर देन 20+ फैकल्टीज हैं। हर एक फैकल्टी अपने आप में एक स्पेसिफिक है, जो आपको एक अलग तरीके का वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है अलग अलग फील्ड में। तो हम यहाँ पे मेडिकल की बात कर रहे हैं, तो ओस स्टेट यूनिवर्सिटी का जो पार्ट है वो है इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी, जहाँ पे हमारी जो मेडिकल की पढ़ाई होती है वो वहाँ पे होती है। सो मैं अभी आ गया हूँ इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी ओस, जो है युवा अस्तुक में, हम इसे मेथपाक के भी नाम से जानते हैं, और अभी मैं आपको कैंपस दिखाने वाला हूँ ये कैसा है हमारा कैंपस। तो चलिए चलते हैं। तो बेसिकली हमारा जो कोर्स है वो है 5 साल का, 5 ईयर का हमारे यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन है, और जो भी हमारे आगे की जो पढ़ाई होंगी या जो स्टडीज़ होंगी वो फर्दर इस कॉलेज पे होंगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे कॉलेज कैंपस पे हम इंटर करते हैं, तो जो जिम में यूज़ होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे कॉलेज ग्राउंड पे भी प्रेजेंट हैं। तो फिटनेस का भी यहाँ काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी काफ़ी सारे होती हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पीछे क्या है। तो पीछे आप मेरे देखिए, पीछे यहाँ पे क्या है, कॉलेज ग्राउंड है, जहाँ पे सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट कराई जाती है, और साथ ही साथ इस एरिया में जो है वो वॉलीबॉल बास्केटबॉल यहाँ का जो कोर्ट है, जहाँ पे आप आके कभी भी खेल सकते हैं। सो जैसे जैसे हम कॉलेज कैंपस में यहाँ पे इंटर करेंगे, तो ये बिल्डिंग आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। सो एज़ यू कैन सी, दिस बिल्डिंग इज़ द मेडिकल क्लिनिक बिल्डिंग ऑफ IMF। और जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे या आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जब आएंगे, तो आपकी क्लासेस जो होंगी वो इस बिल्डिंग में लगना स्टार्ट हो जाएंगी। सो आगे आने के बाद आप मेरे पीछे देखिए, ये क्लिनिक बिल्डिंग में जाने का रास्ता, जहाँ से सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे इंटर करेंगे, और फ्रंट डोर से हम नहीं कर सकते, वहाँ से नर्स डॉक्टर और टीचर स्टाफ ही वहाँ पे इंटर कर सकता है। अब हम आगे फर्दर जाएंगे। तो ये रहा हमारा इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी, यहाँ पे आपके जो सारे क्लासेस हैं और जो लेक्चर्स है वो यहाँ पे कंडक्ट होगी। अब मैं आगे जाके आपको मैं दिखाऊँगा लेक्चर हॉल। और जैसे ही हम इस कॉलेज में इंटर करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक तरह का चेक इन बोर्ड आता है, जहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी अपने दिखा के आप इसके थ्रू यहाँ से पास हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आप देखिए, यहाँ पे है डैशबोर्ड, यहाँ पे आपके जो सभी सारे टाइम टेबल्स या कॉलेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो आगे आप देखिए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिप्लोम्स और ट्रॉफीज़ देखने को मिल सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, तो उनके ये अचीवमेंट्स हैं जो यहाँ पे रखे जाते हैं। साथ ही साथ हमारा जो ये फ्लोर है वो 4 फ्लोर का है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर को
फर्स्ट फ्लोर कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया गया है। जैसे कि आप देखें डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, सो इन सभी चीज़ों की जो स्टडी होंगी वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पर ही होंगी। इस डिपार्टमेंट में जितने भी टीचर्स हैं उन सभी के फ़ोटोज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जस्ट लाइक दैट कॉलेज के दोनों एजेस पे यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी। सो ये है हमारा सेकंड फ्लोर, यहाँ पे वाइस डीन, डीन और जितने भी एचओडीज हैं वो यहाँ पे रहते हैं। सो जैसा कि आप देखिए इंफॉर्मेशन कॉर्नर, ये डीन के ऑफिस के बाजू में ही है। जो भी इंफॉर्मेशन डीन शेयर करता है या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं कॉलेज पर, वो इस नोटिस बोर्ड पर जा करते हैं, प्लेस कर देते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम्स का शेड्यूल हो या टाइम टेबल हो। मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लासरूम, तो आप ये देखिए किस तरीके के यहाँ पे क्लासरूम्स होते हैं। तो काफ़ी सारे डेस्क तो हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि यहाँ जो स्टडीज़ हैं वो ग्रुप वाइज होते हैं, तो एक ग्रुप में मैक्सिमम 15 लोग ही रहते हैं, तो स्टडी में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। सो ये वाली जो बिल्डिंग है वो है लोकल स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स जो सोवियत यूनियन से बिलोंग करते हैं या जो लोकल किर्गिस स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी इस कॉलेज में होती है, और हमारे IMF में जितने भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी यूरोपियन कंट्री से आते हैं या इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी कंट्रीज़ के स्टूडेंट की पढ़ाई हमारे IMF में होती है। सो ब्रेक टाइम के दौरान अगर आपको कभी भी लंच करना हो या कुछ भी अगर आपको खाना हो तो बेशक आप यहाँ पे आ सकते हैं। पीछे आप मेरे देखिए इंडियन कैंटीन है, यहाँ पे भी एक इंडियन कैंटीन है और ये भी है, तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो कैंटीन है और इसमें इंडियन फूड जो है वो ईज़िली अवेलेबल है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो एक प्रॉपर स्टडी करने के लिए हमें जो फैसिलिटीज़ के साथ साथ एक अच्छे इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत होती है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो शहर के शोर शराबे से दूर हो और एक पीसफुल एरिया हो। तो हमारा जो कॉलेज कैंपस है वो शहर के शोर शराबे से काफ़ी दूर है और स्पेस जो है या कॉलेज का जो ग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा है, तो ब्रेक टाइम पे भी आप कहीं पे भी इस गार्डन पे आ सकते हैं। पास ही में नदी है, वहाँ पे जाइए, बैठिए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। सो ये जो वीडियो था वो था ओस स्टेट यूनिवर्सिटी IMF ओस के बारे में एक डिटेल रिव्यू। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और अगले वीडियो में मैं उसमें जो भी हॉस्टल्स हैं, फ्लैट हैं, उसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और अगर आप ओस स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्दर डिटेल के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर। थैंक यू।